राज्य में लगातार बढ़ रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ अब पूर्वी जमशेदपुर से विधायक सरयू राय ने बिगुल फूंक दिया है और अब वो भ्रष्टाचार के विरोध में जेपी आंदोलन की तर्ज पर 11 अक्टूबर को एक आंदोलन करेंगे, एक तरह से कह सकते हैं रैली निकालेंगे और इस रैली के माध्यम से वह राज्य भर से प्रतिनिधि मंडलों को जोड़ने का प्रयास करेंगे जो कि सामने आकर तमाम जिलों की समस्याओं को रख सके। सुनिए किस तरह से सरयू राय ने भ्रष्टाचार को बताया है और भ्रष्टाचार के व्याप्त होने से किस तरह से आगे राज्य भर में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार की जो स्थिति है उसको देखते हुए कई लोगों का सुझाव था, उस पर उन्होंने विचार किया कि राज्य में भ्रष्टाचार के विरोध में एक प्रतिनिधि सम्मेलन किया जाए जिसमें ऐसा जिस दिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जन्मदिन होता है उस दिन झारखंड के सभी विधानसभाओं से कम 5-5 प्रतिनिधियों को हम लोग बुलाएं जो राज्य में भ्रष्टाचार की स्थिति बेलगाम हो रही है उस पर विचार करें और अगले साल भर का कार्यक्रम तय करें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितनी भी समस्याएं राज्य के सामने, शासन व्यवस्था के सामने, समाज व्यवस्था के सामने आ रही हैं उनकी जड़ में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। राज्य का विकास नहीं हो रहा है, मुख्य रूप से इसकी जड़ में भ्रष्टाचार है। जितने पैसे सरकारी खजाना से साल भर में निकलते हैं उसका कितना कम हिस्सा जनता के पास जा रहा है, जनता के काम में जा रहा है। जो संरचनाएं बन रही हैं वो कमज़ोर बन रही हैं, जिस तरह से ठेकेदारी का, संवेदकों का चयन हो रहा है, यह सब देखते हुए लगता है कि हमारे राज्य का अधिकांश संसाधन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रहा है। इसलिए हमने इसके पृष्ठभूमि में दिया है कि 48 साल पहले देश में एक आंदोलन हुआ था 1974 में। उस समय देश को आज़ाद हुए मुश्किल से 27 साल हुए थे, गणतंत्र व्यवस्था की घोषणा हुई उसके 24 साल हुए थे और उस समय महसूस किया लोगों ने कि एक बदलाव की ज़रूरत है, केंद्र की सरकार बदली। आज भी जो बदलाव हो रहे हैं और 1974 के आंदोलन के भी अधिकांश नेता शासन में जहाँ जहाँ भी गए उन्होंने व्यवस्था तो नहीं बदली, अपना चरित्र जरूर बदल दिया। इसलिए आज मुश्किल हो रहा है जनता को भी ये तय करने में कि कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिस पर हम भरोसा करें कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने देगी, वो जो वादा होता है वो पूरा करेगी। तो इसलिए लोगों का मन टटोलने के लिए, खास करके जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग के सामने उसका भविष्य है। राज्य में जिस तरह से नौकरियों पर आफत है, नौकरी देने वाली जो सरकारी संस्थाएं हैं मुश्किल से 1000-2000 के बीच में नौकरी देकर 20 वर्षों में अटकी हुई हैं। इस राज्य के सभी विधानसभाओं से कम 5 लोग आएँ, कहीं से 50 भी आ सकते हैं, मगर जो भी हम लोग आयोजन कर रहे हैं उसमें उनकी सहभागिता पंजीकरण के आधार पर है, रजिस्ट्रेशन के आधार पर है। हमने नंबर दिया है, इस नंबर पर लोग मिस्ड कॉल करें या व्हाट्सएप करें अगर इसमें भाग लेने के लिए इच्छुक हैं। फिर हम लोग कहीं कहीं जाएंगे भी, लोगों को प्रेरित भी करेंगे। तो यह एक ऐसा सम्मेलन हम नहीं कर रहे हैं जिसमें बड़ी भारी भीड़ जुटा लेंगे, हम लोग भाषण होगा, बल्कि प्रतिनिधि के तौर पर चुने हुए लोग जिनका रजिस्ट्रेशन है वही लोग इसमें भाग लेंगे, वही आएंगे। और झारखंड की जो स्थिति अभी है खास करके भ्रष्टाचार के मामले में, उन पर लोग विचार करेंगे और तय करेंगे। लोग सबका मन बनता है कि हम 1 साल 2 साल 6 महीना एक आंदोलन आरंभ करें, किस तरह से लोगों के बीच में जाएं, किस तरह से नई पीढ़ी को हम सारी चीज़ों को बताएं और कहीं जो अरुचि उत्पन्न हो रही है नई पीढ़ी की राजनीति में उसके कारण जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करने के लिए नई पीढ़ी को भी हम लोग उनका भी आह्वान करें, यही उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से मैंने मुख्य रूप से आप लोगों को बुलाया है। एक नई पहल हम लोग आरंभ कर रहे हैं भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिनिधि सभा का आयोजन 11 अक्टूबर को रांची में होने जा रहा है।
सरयू राय का मानना है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से राज्य भर में विकास कार्य जो है अवरोध पर है, उसके पीछे की वजह भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार निचले स्तर से लेकर ऊपर तक के स्तर पर है। यही कारण है कि नौकरियों की मारामारी है। झारखंड निर्माण के बाद भी नौकरियों की जो बात कही जा रही थी कि सही से झारखंडियों का विकास किया जाएगा, यहाँ के मूल निवासियों को उचित सम्मान मिलेगा, तो वो सम्मान अभी तक नहीं मिल पाया है। ना तो नौकरी मिल पाई है, बेरोजगारी बढ़ी है, और इन सब के पीछे की जड़ भ्रष्टाचार है। इसे लेकर 11 अक्टूबर को रांची में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। जेपी आंदोलन की तर्ज पर यह आंदोलन किया जा रहा है। इसे हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पहल कह सकते हैं, एक शुरुआत कह सकते हैं। इससे पहले भी लगातार विधायक सरयू राय ने कई भ्रष्टाचारों को उजागर किया है, बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामलों पर किताबें लिखी हैं, और लगातार अभी जो जांच चल रही है उसमें भी ईडी को सबूत जो भेजने का काम है वह पूर्वी जमशेदपुर से विधायक सरयू राय के द्वारा होते आया है। ऐसे में एक बड़ी पहल हम कह सकते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, और जिस तरह से जेपी आंदोलन ने 1975 में कांग्रेस की कमर तोड़ दी थी, उसके बाद हम मान सकते हैं कि उसी की तर्ज पर जब यह आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल ये इसका शुरुआती ढांचा है, बुनियादी ढांचा कह सकते हैं इसे, तो ये अभी बुनियादी नींव रखी जा रही है, और अब यकीनन यह जब आगे बढ़ेगा तो एक बड़े बदलाव की उम्मीद यहाँ से की जा सकती है। फिलहाल इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लाइव लगातार से।